मौका। इट डजंट मैटर व्हाट इज योर ड्रीम, इट डजंट मैटर व्हाट इज योर डिफिकल्टी एंड इट डजंट मैटर कि आपके बाप के खाते में आज कितने रुपए पड़े हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, आप लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो या आपके आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, बाल सफेद है, काली है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इट डजंट मैटर हाउ वेरी यू फील एंड इट डजंट मैटर हाउ लोनली यू आर बिकॉज अ लायन इज नेवर अलोन। एक शेर को अकेला रहना ही पड़ता है क्योंकि अकेला नहीं रहेगा तो राजा कैसे कहलाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कितना खो चुके हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्रेडिट कार्ड से काम चला रहे हो या फिर चिल्ड्रन से। इफ यू थिंक दैट यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग जस्ट रिमेंबर यू हैव नॉट लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। जब आप सब कुछ खो देते हैं तब आपके पास केवल एक चीज बचती है, वह है मौका। जी हाँ, मौका, एक मौका उन सब खोई हुई चीजों को वापस हासिल करने का। एंड इफ यू थिंक दैट यू डिजर्व दोज थिंग्स यू मस्ट हैव टू प्रूव योर कैपेबिलिटी। जिंदगी का मतलब है गलत चीजों को छोड़कर सही चीजों को अपनाना। इफ यू आर लुकिंग अपॉर्चुनिटी देन दिस इज द परफेक्ट टाइम। गोइंग ऑन, जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी छत से पानी टपक रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद की छत नसीब भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके जूते ब्रांडेड नहीं है तो कुछ लोग आसपास ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास खुद के खरीदे हुए जूते भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कार नहीं है तो ढूंढना, आपके शहर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैर भी नहीं है। जिंदगी में मुश्किलों का रोना रोने वाले कभी अपने से ज्यादा मुश्किलों वाले इंसानों को भी दिखना। जितना स्ट्रगल आप अपने सपनों को पाने के लिए करते हैं ना, उससे कई ज्यादा स्ट्रगल वो केवल पेट भरने के लिए कर रहे हैं। लाइफ इज नेवर बीइंग इजी फॉर एनीवन, लाइफ इज हार्ड, बट व्हाई डोंट यू एग्री दैट यू आर हार्डर देन लाइफ। आप अपने मुश्किलों से बड़े हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है जो इस दुनिया में आपको अपनी मुश्किलों पर विजय दिला सकता है। लोग ब्लेम करते हैं कि उनकी सफलता का कारण दुनिया है, गरीबी है, पुअर एजुकेशन है, किस्मत खराब है, लेकिन यह स्वीकार करने की हिम्मत बहुत काम की है कि उनके बुरे हालातों के जिम्मेदार वह खुद है। वो खुद ही आशा है और खुद ही रुकावट। अपने पंखों को फैलाकर तू उड़ना तो सीख, ये जवाना तेरे नीचे ना हो तो कहना तेरे पंख है, तेरे हौसले हैं तो तुझे देंगे एक ऊंची और लंबी उड़ान, और तेरे अंदर की आग है तेरा ईंधन जो ले जाएगा तुझे दूर तक। आप एक गाड़ी में जा रहे हो और आपके यानी कि आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी कहाँ रुकने वाली है, लेकिन आपको अगर इतना पता है कि उस गाड़ी के चालक आप हो, आप खुद चला रहे हो उस गाड़ी को, तो फिर आपके लिए उस रास्ते पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उस गाड़ी का नाम है जिंदगी, जिसकी ड्राइवर आप खुद हो। आप चाहे जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हो, आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और इसके लिए किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी का फेवर नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए आपको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल आप खुद बने और केवल आप हो जो आपकी जिंदगी को 100% बदल सकती है। यू आर ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर देन अदर, लुक इनसाइड यू। अपने अंदर झांकी और व्यवचाल से बाहर निकलने की जरा हिम्मत तो कीजिए, फिर देखते हैं कौन सा सपना है और कैसे पूरा नहीं होगा। हाँ, मैं दूसरों को अलग बनकर दिखाऊंगा। मैं ही अपने कर्मों का, अपने शरीर का और अपने सपनों का इकलौता मालिक हूँ। मैं अपने हालातों का और असफलताओं का कारण हूँ। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये सपनों का गाड़ी, सपनों का बंगला तो बहुत छोटा है, और जिसकी उड़ान सितारों तक है ना, उसके लिए पहाड़ पर चढ़ना तो मामूली सी बात है। आगे बढ़ते रहिए और देश में अपना बल्कि नहीं दुनिया में देश का नाम कीजिए। और हाँ, मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो लगातार मेहनत करना सीखिए, या आपको सीखना ही पड़ेगा। धैर्य रखिए और अपना काम करते जाइए, एक दिन उस सफलता पर भी आपका नाम होगा। डेट ऑल, थैंक यू।